अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये बता दें आपके पास कौन सी कंपनी है आपकी और क्या क्या होता है आपके पास? सर, हम इनवेक्स सोलर, एपीटी इनवेक्स से हमारा ताल्लुक है। अच्छा, हमारे सोलर इन्वर्टर होते हैं, सोलर से हमारा ताल्लुक है। सोलर के इन्वर्टर है हमारे पास, ये हमारे पास डिफरेंट सीरीज होती है इन्वर्टर की। ये हमारे पास ग्राउंड टू प्रीमियम की हमने सीरीज नहीं लॉन्च हुई है अभी। ग्राउंड टू प्रीमियम के अंदर हमारे पास आता है 5.2 किलोवाट आता है, 2.5 किलोवाट आता है, 4 किलोवाट आता है, एंड देन हमारे पास 6 किलोवाट का इन्वर्टर। ये 6 किलोवाट का। अच्छा, और जो ये नीचे है इसके अंदर हमारे पास दूसरी सीरीज है यूकॉन की। यूकॉन के अंदर 2 में आता है हमारे पास 5.6 किलोवाट, और यूकॉन 2 में आता है हमारे पास 3.5। इनके साथ ये जो 5.6 किलोवाट है, इसके साथ कितनी सोलर प्लेट्स लग जाएंगी? सर, 5.6 के साथ आपकी तकरीबन 11 प्लेटें लग जाएंगी। 11 प्लेट लग जाएंगे। अच्छा, 3.5 के इन्वर्टर के साथ आपकी 7-8 प्लेटें लग जाएंगी। और ये कितनी मिनिमम प्लेट से चल सकता है? मिनिमम सर 575 वोल्ट की एक ही प्लेट लगा दो आप, उससे भी चल जाएगा। ये जो उनकी सीरीज है और ये सीरीज है, इसमें क्या डिफरेंस है इस सीरीज में और इस सीरीज में? क्वालिटी दोनों की सेम है। अच्छा, फीचर्स का फर्क है थोड़ा। क्या फीचर्स है इसमें चेंज? ये जो है अपना वाईफाई इसके अंदर बिल्ट इन है। अच्छा, वाईफाई बिल्ट इन है। जो आजकल जो सा हीटिंग से इशू आ रहा है जो सा सोलर्स को, ये उससे तो ये वो ब्लास्ट हो रहे हैं कुछ इस तरह हो रहा है, ये वो वाला सीन तो नहीं है? वाटर रेजिस्टेंस नहीं, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ये IP21 है। अच्छा, डस्ट एंटी डस्ट किट लगी हुई है, वाईफाई इनेबल्ड है, यूकॉन वाईफाई इनेबल्ड नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमने BMS इंट्रोड्यूस कराया है अभी, इसके अंदर BMS नहीं है हमारे। ठीक है, इसमें से जो आपके पास कोई वाटर रेजिस्टेंस वाला पड़ा हुआ है? जो वाटर रेजिस्टेंस वाला IP65 है हमारा, वो बैक साइड पे है, मैट्रोक्स। अच्छा, वो बैक साइड पे है। ठीक है, ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, IP68 में नहीं है। इसकी वैसे प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपको कोई आइडिया? सर, प्राइस रेंज का मैं अभी रेट आपको डीलर से फाइंड आउट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनवेरिक्स के विरॉन 2 का एक ये पड़ा हुआ है, ये विरॉन 2 के डिफरेंट सीरीज चाहिए हैं और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवेलेबल पड़े हुए हैं आपके पास सारे के सारे। आप देख सकते हैं इनमें ये सारे आ गए। अब हम आपको इनका दूसरा भी दिखाते हैं, IP68 वाले जो वाटर रेजिस्टेंट्स हैं वो भी आपको शो करवा देते हैं। ये जो से इधर जितने भी आपको मॉडल दिख रहे हैं इनवेरिक्स के सारे वाटर रेजिस्टेंस है। भाई, ये कितने किलोवाट का ये वाला? ठीक है, 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 4 किलोवाट के, 3 किलोवाट पे 4 किलोवाट के, 3 किलोवाट पे 4 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं आप। अच्छा, 7-8 पैनल लगा सकते हैं। और इससे क्या क्या ऑन हो जाएगा? वो तो आपको लोड देखना पड़ेगा, लोड देखना पड़ेगा। और ये जो था, ये 6 किलोवाट है, उसके आगे 8 किलोवाट, ये 6 किलोवाट का है। जो उधर लगे हुए हैं और इधर लगे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? और इनकी प्राइस रेंज का कोई? अच्छा, ये इसमें ये 6 किलोवाट का लगा हुआ है, 6 किलोवाट है, ये 3 किलोवाट का, और वो ये 6 किलोवाट पे हम कितने किलोवाट तक का चला सकते हैं? 7.8 तक का पैनल लगा सकते हैं। कितने पैनल लग जाएंगे? 12 के 13-14 पैनल लग जाएंगे इसके। लोड जो है वो 6 किलोवाट ही चलाएगा, ये भी लोड 3 किलोवाट चलाएगा, ये भी 3 किलोवाट एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और बैकअप कितना दे सकता है इसमें? 6 किलोवाट का भी अवेलेबल है पैनल, और इसमें 8 किलोवाट का भी है, और इसमें 12 kV का भी है, और इसमें 18 किलोवाट के ग्रिड का भी है। मगर ये IP68 के सारे पैनल्स हैं, इनके ऊपर ये सारी डिटेल्स मेंशन है कि इनके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। हाइब्रिड इन्वर्टर है, IPSS का इनका है, टेम्परेचर का +60 डिग्री तक ये को कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लेवल है, सारा कुछ है, PV भी, बैटरीज का दिया हुआ है कितनी लग सकती है, कितने वोल्टेज का लोड डाटा सारा कुछ दिया हुआ है। इसे इनवेरिक्स की वारंटी भी अवेलेबल है, इनमें हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप ही इसको देखना चाहें तो ये सारा कुछ आप बता सकते देख सकते हैं। और इनका ये स्टॉल लगा हुआ है इस वक्त एक्सपो सेंटर में, ये सारा इनका लगा हुआ है। तो अभी आपको इनसे थोड़ी सी प्राइस रेंज का भी पूछ के आपको बता देते हैं। ये भी इनवेरिक्स के ही पड़े हुए हैं सोलर एनर्जी, ये है 5.3 2.5 kV, और इसके पड़ा हुआ है प्राइस ये लोग मेंशन नहीं कर रहे इधर। तो आपको इनका कार्ड है तो
बड़े ग्रेड भी अवेलेबल है यहाँ पे, 20 के भी 35 के भी। ये 6 के वी वाले का क्या है ये? एक्सक्यूज मी, अच्छा ये 5G लिखा हुआ है, फिफ्थ जनरेशन है। अच्छा ये फिफ्थ जनरेशन है और इसमें सारा ये अवेलेबल है। भाई ये थोड़ी सी डिटेल बताएंगे इनकी, डिटेल बता दें इनकी, इन्वेरिक्स की, बैटरीज की। ये बाइक की है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी है। इसके कितना बैकअप होगा एक दफ़ा चार्ज कर लें तो कितना? ये डिपेंड करता है बाइक के मोड पे। अच्छा ठीक है। और जो यूपी वो सोलर्स की बैटरीज हैं वो कौन सी हैं ये? इसकी ये कितने किलोवाट पे लग जाएगी? 12 किलोवाट पे। और 5 to 6 के किलोवाट पे कौन सी लगेगी? यही लगेगी। तो इसका बैटरी बैकअप टाइम कितना है? फॉर एग्जाम्पल अगर 2 AC 300 किलोवाट पे 7 से 8 घंटे का बैकअप। और ये भी सेम वही है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इम्पेयर का फ़र्क है और इनका प्राइस रेंज में भी डिफरेंस होगा फिर। ठीक है, ये जेल बैटरीज हैं, ये सारी वो उनकी बाइक की बैटरी है। इनकी प्राइस रेंज का कुछ आइडिया है? प्राइस रेंज का आइडिया तो प्राइस कैसे पता चलेंगी हमें? नंबर पे कांटेक्ट करें तो आपको सारी प्राइस रेंज पता चल जाएगी। ठीक है, ये सारा आप नंबर पे पता करेंगे तो आपको प्राइस रेंज पता चल जाएगी। ये इनका नंबर है, ठीक है, ये सारा इनका नंबर है तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा इनका आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।